वहीं बहराइच के बाद आपको आगरा से बड़ी खबर बता दें, जहां आगरा में खाकी पर हमले की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आगरा से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां कागारोल थाने के दारोगा पर जानलेवा हमला किया गया है। दारोगा पुनीत कुमार पर हुआ जानलेवा हमला। तो ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां दारोगा पर हमला करने से पहले एक बार भी इन लोगों ने नहीं सोचा, यानी खाकी पर अब हमला करने पर लोग आतुर रहते हैं। उनके अंदर कोई भी खाकी को लेकर के खौफ नहीं है, इज्जत नहीं है। और आगरा में ये दूसरा तीसरा मामला है जब हमने देखा है कि खाकी पर हमला हुआ है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनके अंदर खाकी को लेकर के ना कोई सम्मान है और ना ही कोई खौफ। मनीष गर्ग संवाददाता आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मनीष, तस्वीरें हमारे सामने हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग ये पुलिसकर्मी को घेर करके, दारोगा जी को घेर करके खड़े हुए हैं। ना कोई खौफ है, ना कोई सम्मान है। क्या जानकारी आपके पास पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल सौम्या, बता दूं, ये पूरा मामला थाना कागरोल के गहरा खुद गांव का है, जहां पर दारोगा पुनीत कुमार विवेचना को लेकर जो अभियुक्त आरोपी था उससे पूछताछ के लिए उसके घर गए थे। ना कि उसकी ना कोई वारंट था, ना ऐसी कोई गिरफ्तारी करनी थी दारोगा को, बल्कि फिर वहां पर जो आरोपी था उसके सपोर्टर थे, परिजन थे, उन्होंने उस दारोगा को घेर लिया और खींचतान करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं तस्वीरों में ये भी देखने को साफ नजर आ रहा है कि कुछ लड़की जो युवतियां हैं या कुछ लोग हैं जो लाठी डंडे लेकर दारोगा की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आगरा में जो खाकी का खौफ है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम लोग बदमाश हैं, अपराधी हैं, उनके हौसले बुलंद होते हुए जा रहे हैं। खाकी का जो खौफ है वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले मैं बात करूं तो लोहा मंडी थाना क्षेत्र के एक तानू कुरैसी जो अपराधी था उसका वारंट जब परसों पुलिस लेकर पहुंची तो वहां पर भी पुलिस के साथ मारपीट की गई थी। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं आगरा में जो खाकी का जो खौफ है वो बिल्कुल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जी सौम्या, अब इसके बाद कोई कार्रवाई की गई प्रशासन की तरफ से इस परिवार के ऊपर? मैं अगर बात की जाए कार्रवाई की तो अभी तक एसीपी पीयूष राय का कहना है कि अभियोग दर्ज किया जा रहा है। उसमें कब बताया ये भी जा रहा है कि अभी तक एक ही नामजद है, बाकी जो लोग हैं उनकी पहचान की जाएगी वीडियो के आधार पर, उसके बाद उनके नाम बढ़ाए जाएंगे। वही बात को एक नामजद और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात करी। लेकिन आखिर हम लोग कह सकते हैं जिस पुलिस का खौफ होना चाहिए जनता के बीच में, जो अपराधी है उनके बीच में, जनता कहीं ना कहीं विश्वास किस प्रकार से कर पाएगी जब खाकी के साथ ही ऐसा दुर्व्यवहार होता हुआ नजर आएगा। मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो किस तरीके से जनता ये सुनिश्चित कर पाएगी कि ये खाकी उनकी रखवाली कर पाएगी जब ये खुद अपनी रखवाली नहीं कर पा रहे हैं?